शांति ऊंचे ते ऊंचा भाग्य विधाता सर्वशक्तिमान शिव बाबा रोज हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर करने परमधाम से आते हैं वंडरफुल है ये बात कि वो भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है जो सृष्टि का रचयिता है वो हम बच्चों के लिए जो अपने बाबा को भूल गए ऐसे बच्चों के लिए रोज आते हैं ऐसी निरहंकारिता ऐसी निस्वार्थ भावना सारी सृष्टि में और सारे कल्प में किसी की नहीं है और आकर बाबा हमारी भी ऐसी तकदीर जगाते हैं जिस तकदीर को ढाई हजार वर्ष तक दो युगों तक कोई लकीर नहीं लगा सकता और इसीलिए हम रोज जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो बाप समान निरहंकारी बनने की बाप समान निर्विकारी बनने की बाप समान निराकारी बनने की शिक्षाएं भी लेते हैं और पुरुषार्थ करने का अभ्यास भी करते हैं आज की मुरली भी हमारे भाग्य को उदय करने का रास्ता बता रही है हमें निरहंकारी बना रही है सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य आज है तेईस तारीख तेईस मार्च दो हजार चौबीस बाबा के महावाक्य हैं मीठे बच्चे जिसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं निष्काम सेवा करते अपने लिए कोई लोभ नहीं है ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो तो बाबा की ये जो क्वालिटीज़ हैं दो मुख्य क्वालिटीज़ एक निरहंकारिता दूसरी निष्काम भावना तो अगर हम इन दोनों को जो हमारे बाप और दादा दोनों में है, ना शिव बाबा में भी है ब्रह्मा माँ में भी है तो बच्चों में होना स्वाभाविक होना चाहिए परंतु हम बच्चा नहीं समझते हैं कम समझते हैं इसीलिए धारण नहीं कर पाते हैं तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं हमें भी बाप समान बनना है प्रश्न है गरीब निवास बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं चाहते हैं ना तकदीर ऊँची बन जाए क्या क्या करते हैं दुनिया के अंदर भाग्य की लकीर अच्छी बन जाए मेरा भाग्य अच्छा हो जाए भविष्य अच्छा हो जाए बहुत कुछ करते हैं कितनी मेहनत करते हैं कितना पैसा खर्च करते हैं कितना बुद्धि लगाते हैं परंतु बाबा सहज तरीका बताते हैं उत्तर है बाबा कहते बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते सदा बुद्धि में सदा बुद्धि से यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी इसमें बहुत सच्चाई चाहिए कहते हैं ना ये बाबा का है मैं भी बाबा का हूँ है ना बाबा का ही तो है पर दिल से पूछो अंदर से पूछो कहीं ना कहीं मेरापन और मैंपन तो नहीं है होता है सूक्ष्म तभी तकदीर दी बन नहीं पाती तो इसमें बहुत दिल की सच्चाई चाहिए तो बाबा कहते हैं पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी अगर सच में निश्चय बुद्धि होकर सच्चाई सफाई से बाबा को अर्पित करते हैं तो बाबा बंधा हुआ है पालना करने के लिए घर में ट्रस्टी हो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं ना किसका भंडारा है भोले भंडारी का भंडारा है वो खिला रहा है इसीलिए बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होने देना है तो इसीलिए बाबा हमें बार बार सिखाते हैं कुछ भी हो छोटी चीज़ भी हो कोई कुछ लेना देना भी हो तो भी बाबा से पूछ कर करो इसे कहते हैं रियल ट्रस्टी बाबा को सब सच बतलाना पड़े है ना सत्यम शिवम सुंदरम से उस सत्य पिता से अब झूठ नहीं बोल सकते बोलेंगे तो खुद को धोखा देंगे ना भगवान को कैसे धोखा दे सकते हैं ना ओम शांति भक्ति मार्ग के सत्संगों से यह ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है।, है ना विचित्र वहाँ सत्संगों में और इस सत्संग में तो बहुत अंतर है तुमको भक्ति का अनुभव तो है जानते हो अनेक अनेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं गीता रामायण भागवत आदि पढ़ते हैं यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो कोई गुरुजी बैठे हैं सामने यहाँ किसके सामने बैठे हो डबल बाप और माँ है ना डबल है सिंगल भी नहीं है वहाँ तो ऐसे नहीं है तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है मम्मा भी है छोटी मम्मा भी है है ना बेहद का बाप शिव बाबा फिर माँ ब्रह्मा माँ फिर छोटी मम्मा मम्मा भी है ना साकार मुरली है ना तो इसीलिए इतने सब संबंध हो जाते हैं वहाँ तो ऐसा कोई संबंध नहीं सत्संगों में कोई ऐसा संबंध थोड़ी ना होता है ना कोई वह फॉलोअर्स है। ही हैं कहते हैं भले कि हम फॉलोअर्स हैं शिष्य हैं परंतु फॉलोअर्स हैं नहीं क्योंकि फॉलो थोड़ी ना करते हैं वो तो है निवृत्ति मार्ग उनका धर्म ही अलग है तुम्हारा धर्म ही अलग है रात दिन का फर्क है बिल्कुल कंट्रास्ट है यह भी तुम जानते हो लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा फिर नया बाप नई बात यहाँ तो लौकिक भी है पारलौकिक भी है और फिर अलौकिक भी है ना तीन तीन पिता है हमारे लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है बाकी यह अलौकिक बाप है वंडरफुल ब्रह्मा बाबा हमारा अलौकिक बाप वंडरफुल है इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है हाँ इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं लौकिक को भी याद करते हैं हुँ? क्योंकि उनसे भी प्राप्ति होती है बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते हुँ? इंडिया में ब्रह्मा बाबा के मंदिर कोई ज़्यादा नहीं है बहुत थोड़े हैं तुम जानते हो यह है प्रजापिता, यह है कोई एक का पिता नहीं प्रजा है ना, सारी दुनिया की सारी आत्माओं का पिता है प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहते ना शिव बाबा तो आत्माओं का पिता है ये फादर ग्रैंड फादर ना ये तो फिर लौकिक दुनिया की बात हो गई तो बाबा कहते हैं लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंड फादर होता है यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर सारी मनुष्य सृष्टि का है ना ये पर 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 दादा है ना तो शब, शिव शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो ब्रह्मा बाबा सारी मनुष्य सृष्टि का दादा हुआ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ ऐसे ना लौकिक को ना पारलौकिक को कहेंगे अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग की तो बात ही न्यारी है वहाँ कोई समझ की बात नहीं होती वहाँ तो बस सुनते रहते हैं ड्रामा में वह भी पाठ है जो फिर चलता रहेगा हुँ? तो इसीलिए वो भी ठीक है बाप बतलाते हैं तुमने कैसे चौरासी जन्म लिए हैं चौरासी लाख नहीं जैसे शास्त्रों में दिखाया है चौरासी जन्म लिए हैं, चौरासी लाख नहीं बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है जहाँ पाप आत्माएं रहती हैं वहाँ पुण्य आत्माएं नहीं रहती यहाँ पाप आत्माएं पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती है हुँ? सब आत्माएं ही पाप करती हैं ना क्योंकि सभी बॉडी कॉन्शियसनेस में है सभी विकार से उत्पन्न हुए हैं तो किसी को देते भी हैं तो वो भी पाप आत्मा है और देने वाली भी पाप आत्मा है माने ना माने परंतु सत्यता तो यही है कि सभी का जन्म विकारों से हुआ है और सभी देभान में है तो यही पाप है तो बाबा कहते हैं कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती है सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं है ना वहां वहाँ पर किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं सब भरपूर है, संपन्न है क्योंकि प्योर है ना। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है उसी से संपन्नता आती है उसी से प्राप्ति होती है अब कोई पवित्रता नहीं है इसीलिए आत्माएं है ना अंदर बाहर दोनों से खाली हैं वहाँ यह ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है नहीं यह ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख हेल्थ वेल्थ सब मिल जाता है वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी होती है नाम ही है अमरपुरी कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई वतन में सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं क्योंकि शंकर तो सूक्ष्म वतन में है ना साकार दुनिया में नहीं है तो वहाँ पर कौन किसको कथा सुनाएगा भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती है यह है भक्ति मार्ग की बातें तो कथाएं बता बना दी हैं, अलग अलग तरीके से जिस पर अभी तक खड़े हैं सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना यह डिफेम है करते हैं भगवान को कंकड़ में पत्थर में है ना मछली में मगरमच्छ में कछुए में सब में डाल देते हैं तो डिफेम करते हैं ना बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है ठिक्कर भेतर में कण कण में है अपने से भी जास्ती ग्लानी करती है खुद को तो फिर भी कहते हैं हम नीच हैं पापी हैं परंतु तो भगवान को तो कुत्ता बिल्ली मगरमच्छ मछली सब कह देते हैं कंकड़ पत्थर सब मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूँ शिव बाबा को तो कोई लोभ नहीं है ब्रह्मा बाबा तो फिर भी नंबर वन बनना चाहते हैं और बनते भी हैं पुरुषार्थ भी करते हैं लेकिन शिव बाबा को तो ये भी लोभ नहीं है कि मैं पहला नंबर बनूं नहीं औरों को बनाने का रहता है इसको कहा जाता है निष्काम सेवा ऐसी सेवा जिसमें कोई कामना नहीं है उन्हें तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं देखो बड़े ते बड़ा बाबा हमें नमस्ते करते हैं रोज़ करते हैं ना है ना मीठे मीठे से कि बच्चों प्रति है ना नमस्ते करते हैं रोज़ बाबा कितना निराकार निरहंकारी है कोई अहंकार नहीं कपड़े आदि भी वही है न शिव बाबा को अहंकार है न ब्रह्म बाबा को अहंकार है तो हम बच्चों को होना चाहिए क्या तो बाबा खुद करके बताते हैं ना इसलिए थोड़ा सुना रहे अपनी बढ़ाई के लिए हम भी ऐसे बने इसलिए बाबा हमें बता रहे हैं कुछ भी बदला नहीं है नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं जो लोग संन्यास धारण करते हैं पूरी ड्रेस बदल कर लेते हैं सर भी मुंडवा लेते हैं बिल्कुल बदल जाता है हाउ भाव इनकी ड्रेस वही साधारण है ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं इनकी तो वही साधारण पहरवाइस है कोई फर्क नहीं बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ वह भी कौन सा जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं वह तो चौरासी लाख कह देते हैं सुनी सुनाई बातें हैं देखी थोड़ी ना किसी ने इससे फायदा कुछ नहीं डराते हैं ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे गाय का पूछ पकड़ने से तर जाएंगे ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पूछ पकड़कर हम तर जाएंगे आपकी अब गायें कहाँ से आई स्वर्ग की गायें ही अलग होती हैं। वहाँ की गायें बहुत फर्स्ट क्लास होती हैं जैसे तुम सौ परसेंट सम्पूर्ण तो गाय भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती हैं श्री कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते हैं उनको क्या पड़ी है यह वहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएँ पाली हैं श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है शास्त्रों में तो बहुत सारी स्टोरीज बना दी है तो बातें तो इस समय की हैं परंतु स्टोरीज उन्होंने भक्ति मार्ग के अंदर बना दी है कहाँ सर्वगुण संपन्न सतयुग का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ ग्वाला कुछ भी समझते नहीं हैं क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं तो समझते नहीं हैं इसलिए यह एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश इस समय जब आत्माओं को ज्ञान नहीं है कि वो कौन है पिता कौन है ड्रामा क्या है तो इस समय बाबा आते हैं जब हम इस ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं तब ज्ञान की दरकार नहीं रहती है तो अभी अज्ञान अंधेरा है तो ज्ञान सूर्य प्रकट हुए हैं अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में है कौन सा अंधियारा है रोज रात वाला अंधियारा नहीं है अज्ञानता का अंधियारा विकारों का अंधियारा है कितने ढेर सत्संग है यह कोई भक्ति मार्ग नहीं है यह है सदगति मार्ग एक बाप ही सदगति करता है तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे आप बगैर दूसरा ना कोई क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर सुख का सागर पवित्रता का सागर संपत्ति का सागर हो सर्व प्राप्तियों का स्रोत केवल एक शिव बाबा है इसलिए हमने बाबा को वायदा भी किया और अभी भी कहते हैं कि बस बाबा आप बगैर दूसरा ना कोई बाबा कहते हैं संपत्ति भी देते हैं ना कितना माला माल कर देते हैं आत्मा को कितना भरपूर कर देते हैं तुम जानते हो हम शिव बाबा से इक्कीस जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं कौन सी झोली है ना दुनिया में कहते ना भर दो झोली बुद्धि की झोली भरने आए हैं ज्ञान रत्नों से अर्थात नर से नारायण बनते हैं तो सारा मदार इस ज्ञान पर ही है ज्ञान के आधार से आत्मा नर से नारायण बन जाती है बुद्धि जितना इन रत्नों को धारण करती है पापा को याद करती है उतना आत्मा की उन्नति होती है और वो मनुष्य से देवता बनती है भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी सीढ़ी नीचे उतरते ही आए है ना क्या प्राप्ति हुई कथाएं सुनी सब कुछ किया व्रत रखा परंतु आत्मा तो डिग्रेड ही होती गई ना चढ़ती कला कोई की हो ना सके कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं न हर एक युग की आयु इतने इतने वर्ष बता देते हैं ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं अब तुमको पता पड़ा है कल्प है ही पाँच हज़ार वर्ष का अब पता पड़ा है ना पहले तो वही मानते थे जो शास्त्रों में लिखा है मैक्सिमम है चौरासी जन्म और मिनिमम है एक जन्म पीछे आते रहते हैं निराकारी झाड़ है ना ऊपर निराकारी झाड़ है परमधाम में और वहाँ से आत्माएं फिर धीरे धीरे आती रहती हैं फिर नंबर वार आते हैं पाठ बजाने असल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं वास्तव में तो हम ऊपर निराकारी झाड़ के हैं ना उस पेड़ के उस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष तो नीचे है परंतु हम आत्माओं का वो जो उल्टा कल्प वृक्ष है वो ऊपर है तो हम निराकारी झाड़ के हैं फिर वहाँ से यहाँ आते हैं पाठ बजाने वहाँ सब ऊपर धाम में सब पवित्र रहते हैं परंतु पार्ट सबका अलग अलग है यह बुद्धि में रखो भले हम सभी वहाँ प्योर रहते हैं परम धाम में आत्माएं प्योर ही हैं परंतु जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सभी का पार्ट अलग अलग होता है क्योंकि प्योरिटी का लेवल जो है ना किस तरीके से आप प्योर बने उसके आधार पर प्योरिटी का लेवल अप और डाउन होता रहता है बाकी हैं सारे प्योर झाड़ भी बुद्धि में रखो सतयुग से कलयुग अंत तक ये बाप ही बताते हैं यह कोई मनुष्य नहीं बताते सारा सृष्टि चक्र है ना इस चक्र के अंदर आए हम सभी आत्माएं लेकिन इस चक्र का सारा राज आते हुए भी हम भूल गए लेकिन हमारा बाबा जो चक्र में आते नहीं है उनको सारे राज पता है तो यह कोई मनुष्य नहीं बताते कैसे बताएंगे पता ही नहीं है किसी को ना दादा नहीं बताते एक ही सतगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं है ना कोई मनुष्य आत्मा नहीं बताती ब्रह्मा बाबा भी नहीं बताते परंतु एक शिव बाबा है गति सदगति दाता जो हमें ये सारा राज बताते हैं बाकी तो सब गुरु है एक शिव बाबा है सतगुरु भक्ति मार्ग के वो भक्ति मार्ग के गुरु हैं कितने कर्म कांड करते हैं वो ये सब करते हैं कर्म कांड पूजा पाठ अर्चना भक्ति मार्ग का शो कितना है दिखावा बहुत है ना भक्ति में यह रुनने का पानी अर्थात मृग तृष्णा है बस करते जाओ करते जाओ मिलता नहीं है और ही भागते जाते हैं इसमें ऐसे फंसे हैं जो कि जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं ना ऐसा जाल है ये मायावी जाल जाते हैं किसी और को निकालने और खुद ही फंस जाते हैं ये भी ड्रामा की नोंद है है ना कोई नई बात नहीं तुम्हारा सेकेंड सेकेंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है तुम जानते हो अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए क्या बनते हैं विश्व का मालिक बनते हैं नर से नारायण बनते हैं बेहद का बाप पाँच पाँच हजार वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं वंडरफुल है हमारा बाबा पाँच हजार वर्ष के बाद हर फाइव थाउजेंड ईयर्स था। के बाद भारत में ही आते हैं और किसी कंट्री में नहीं आते हैं वह शांति का सागर सुख का सागर है यह महिमा पारलौकिक बाप की ही है तुम जानते हो यह महिमा बिल्कुल ठीक है हु? करते हैं हम भी करते हैं और भक्ति मार्ग वाले भी करते हैं परंतु ये हम जानते हैं कि ये महिमा ठीक है क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि किस तरह बाबा हमें शांति देते हैं पवित्रता देते हैं सुख देते हैं इसलिए ये हम जानते हैं तो बाबा कहते हैं यह महिमा पारलौकिक बाप की ही है तुम जानते हो यह महिमा बिल्कुल ठीक है सब कुछ एक से मिलता है वही दुख हरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो वंडरफुल hmm, है ना ये बात कि जिसको हमने पुकारा जिसको दुखरता सुख करता कहा जिसको पतित पावन कहा उससे हम सम्मुख सुनेंगे ऐसा तो हम कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं कर सकते थे और बाबा से हम सुन रहे हैं आज है ना? तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है साकार मुरली है ना तो मुरली उच्चारित की शिव बाबा ने मधुबन में ब्रह्मा के तन द्वारा तो वह कहते हैं कि उस समय सेंटर पर बैठे होंगे तो फिर क्या सोचेंगे कि शिव बाबा मधुबन में है उनको ही याद करते हो शिव बाबा खुद कहते हैं मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है अब ये लाइन भक्ति मार्ग की गीता में भी है फिर से भारत को स्वर्ग बनाने मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ तुम मेरी कितनी ग्लानी करते हो मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ कल की बात है है ना तुम कितनी पूजा करते थे भी कल की बात ही लगती है इसी जन्म के अंदर हम कितनी पूजा करते थे तुमको अपना राज्य भाग्य दिया तो हम भक्ति मार्ग में भी हमने बहुत पूजा की और फिर बाबा ने हमें अभी तो है ना इसी कल्प के अंदर आदि के अंदर राज्य भाग्य हमें मिला था सब गवा दिया बाबा के लिए तो कल और आज की बात है ना कोई नई बात नहीं है तो वह कहते सब गवा दिया अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ दोबारा बना रहे हैं कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा अब ऐसे किसी को सुनाएंगे तो बुद्धि में नहीं बैठेगा यह है दैवी गुण वाले देवताएं हैं तो मनुष्य चित्र देखकर लक्ष्मी नारायण को देखकर आता है मन में कि ये तो दैवी गुण वाले देवताएं हैं है तो ये भी मनुष्य ना कोई अस्सी सौ फुट लंबे तो नहीं है ऐसे कई मंदिरों में बड़े बड़े देवताओं के चित्र बना देते हैं कोई ऐसा नहीं इतने बड़े बड़े थे ऐसे तो नहीं कि उन्होंने की आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे ऐसा तो नहीं है ना कल में तुम्हारी आयु कम हो जाती है बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि आयु बड़ी कैसे हो सकती है बीमारियों से मुक्त कैसे हो सकते हो बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार नहीं होना पड़े जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं यदि हम उसका पूरा पालन करें तो सच में ना तन का रोग होगा ना मन का रोग होगा भगवान वाच अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे तो क्या करेंगे हम सभी अपने को आत्मा समझ के एक शिव बाबा को याद करेंगे हम गारंटी करते हैं योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है अभी तुम राजयोगी ऋषि राज हो अभी हम राजयोगी भी हैं और राजऋ भी हैं वह सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके वो राजयोग कैसे सिखाएंगे है ना? वो तो वैराग्य दिला देते हैं सब छोड़ दो सन्यास कर दो तो राजाई की तो बात खत्म हो जाती है सुख को भी कागविष्टा समान बना देते हैं तो राजयोग नहीं सिखा सकते वो वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है दान करो अब गंगा में थोड़ी दान किया जाता है है ना गंगा के घाट पे जाते हैं हरिद्वार भी जाते हैं तो वहाँ दान पुण्य करते हैं तो बाबा कहते हैं कि वहाँ थोड़ी ना दान किया जाता है मनुष्य पैसे डालते हैं हरिद्वार में जाते हैं ना तो उसमें पैसे डालते हैं फिर बाद में वहाँ कुछ भाइयों की या कुछ ब्राह्मण भी होते हैं वो लोग कलेक्ट करते रहते हैं है ना जाल बिछाकर फिर वहाँ से कॉइन्स निकालते हैं तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य पैसे डालते हैं पंडित लोग ले जाते हैं अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो बाप को देते क्या हो कुछ नहीं बाप तो दाता है तुम भक्ति मार्ग में ही ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हो पहले हम भक्ति मार्ग में क्या करते थे भगवान के नाम पर गरीबों को देते थे है ना इसीलिए मंदिर के बाहर वो गरीब बैठे हुए होते थे क्योंकि भगवान के नाम पर मांगते हैं ना भिखारी भी आते हैं तो कहते हैं ना ईश्वर के नाम पर दे दो किसी भी देवी देवता का चित्र या फोटो लेकर घूमते हैं तो भगवान के नाम पर हम भी देते हैं ना और वो भी भगवान के नाम पर ही मानते हैं। मांगते हैं हमसे तो गोया पतितों को देते थे पर देते तो पतितों को ही थे ना तुम भी पतित लेने वाले भी पतित अब तुम पावन बनते हो वो पतित पतित को दान करते हैं कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं माथा टेकते हैं खिलाते हैं दक्षिणा भी देते हैं कन्या दान करते हैं ना जब शादी होती है तो तो पहले लेकिन कुमारी होती है जब कुमारी होती है तो उसके आगे माथा टेकते हैं और फिर जब कन्यादान कर देते हैं वो पतित बन जाती है तो वो माथा टेकती है शादी के बाद बर्बादी हो जाती है ड्रामा में नोंद है फिर भी ऐसा रिपीट होगा भक्ति मार्ग का भी पाठ हुआ सतयुग का भी समाचार बाप बताते हैं अब तुम बच्चों को समझ मिली है पहले बेसमझ थे शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें उनसे मेरे को कोई पाते नहीं भक्ति मार्ग की जो बातें हैं उनसे भगवान नहीं मिलता मैं जब आता हूँ तभी आकर सदगति करता हूँ सभी की और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ मैं गरीब निवास हूँ बाबा डायरेक्टली हमें बता रहे हैं गरीबों को साहूकार बनाता हूँ गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं उनके लिए अर्पित होना है ना कठिन नहीं होता क्योंकि ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है यह सब कुछ आपका है बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो बाबा क्या करेंगे लेके पर बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो ये समझ कर कि बाबा है बाबा का है अब ये समझ के पहले रहे थे कि मेरा है मेरा समझ के संभाल रहे थे तो उसमें मोह था उसमें विकार आ गया था परंतु अब क्या ये सब बाबा का है बाबा की अमानत है बाबा मुझसे करा रहा है बाबा के बच्चे हैं तो फिर ट्रस्टी हो गए तो बाबा का बाबा को अर्पित कर दिया बुद्धि से समझो ये हमारा नहीं है बाबा का है इसमें बड़े सयाने बच्चे चाहिए चीटिंग नहीं करनी इसके अंदर ना हर एक चीज़ जब दे दी तो दे दी है ना थोड़ा भी अपने हिसाब से नहीं चलाना है फिर फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो हुँ? भले अपने घर में बना रहे हैं परंतु क्योंकि कह दिया कि घर भी किसका है बाबा का है तो गोया यज्ञ से खाते हो तो बाबा जिम्मेवार है क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए सब कुछ यज्ञ का हो गया घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो तो देखा है हमारे यहाँ कितने परिवार न सभी ट्रस्टी होकर रहते हैं और सभी का अपना अपना इतना वंडरफुल अनुभव होता है कि कैसे बाबा उनकी रक्षा करते हैं कैसे उनके खाने में बरकत आती है तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भाई बहनें माताएं सुनाती हैं परंतु पूरा निश्चय चाहिए इम्पॉर्टेंट है निश्चय निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरीश चंद्र का मिसाल देते हैं एक स्टोरी बताते हैं कि राजा हरीश चंद्र ने फिर जो उसने वादा किया था वो निभाया नहीं तो फिर उसको सज़ा मिली बाबा को तो सब कुछ बताना है मैं गरीब निवास हूँ फिर एक गीत बजा आखिर वह दिन आया आज आधा कल्प भक्ति में याद किया अब आखिर मिला कितना याद किया बाबा को अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है सतयुग जरूर आना है बीच में है संगम जिसमें तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो तुम पवित्र प्रवृति मार्ग वाले थे फिर चौरासी जन्म के बाद आप पवित्र बनते हो फिर पवित्र बनना है कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वह करेंगे अपना वर्षा लेंगे साक्षी हो देखते हैं इसमें ज़्यादा किसी के अंदर जाने की उसको खास राय देने की कोई ज़रूरत नहीं है बस साक्षी होकर देखो क्योंकि कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया था वो उतना ही करेगा जबरदस्ती नहीं करा सकते आप किसी से भी इसीलिए अपने संकल्प विकल्प चला कर कि वो ऐसा क्यों नहीं करता है उसके पास तो इतना है फिर भी नहीं करता है तो ऐसा सब कुछ चला कर संकल्प अपने है ना अपने हम खुद ही अपने विक्रम विनाश करते हैं अपने संकल्प खराब करते हैं तो इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करो इन बातों में क्योंकि कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही करेगा अपना वर्षा लेंगे साक्षी हो देखते हैं बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं भले कहते हैं कि ये मैसेंजर है खुदा का पैगंबर है पर बाबा अपना पैगाम देने के निमित्त हमें ही बता बनाते हैं अपना मैसेज देने के निमित्त हम बच्चों को ही मना बनाते हैं तो यही वंडरफुल बात है कि भले वो समझते हैं लेकिन ईश्वर का वास्तविक पैगाम वास्तविक मैसेज हम ही बच्चे दे पाते हैं क्योंकि हमें ही बाबा का पूरा ज्ञान है सतगुरु सदगति करने वाला एक है अन्य धर्म नेताएँ आते हैं धर्म की स्थापना करने तो गुरु कैसे ठहरे वो गुरु नहीं है वो तो धर्म स्थापक है मैं तो सबको सदगति देता हूँ तो अच्छा? अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है हमें सब कुछ एक से मिलता है ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं वह हमें पढ़ा रहे हैं दूसरा अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है निरहंकारी होकर रहना है मैसेंजर पैगंबरबन बन सबको पैगाम देना है आज का वरदान है सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भावा कैसे बनेंगे अनासक्त और प्रकृति जीत जब सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे बनेंगे किसी चीज के अंदर कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए ये चाहिए वो चाहिए ऐसा होना चाहिए नहीं अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है उसे देखकर खाने का मन करता है लेने का मन करता है अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है कहीं कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं अपनी चेकिंग खुद करो कि ये मुझे अट्रैक्ट तो नहीं करते हैं यह पदार्थ प्रकृति के साधन है जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे है तो ये भी प्रकृति ना फाइव एलिमेंट्स की दुनिया में सब चीज़ें पंच तत्वों की बनी है तो जब इनसे अनासक्त बनेंगे अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे स्लोगन है मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बहुत बड़ा झमेला है ना मेरेपन का जाल है ना मेरी बुद्धि मेरी राय है ना मेरी सोच है ना तो बहुत सूक्ष्म है ये मेरापन तो इस झमेले को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी विश्व का कल्याण तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक हदों से बाहर नहीं निकलेंगे तो इसीलिए विश्व का कल्याण करने के लिए इस मेरेपन के मैलेपन को छोड़ना पड़ेगा तो आज के दिन भी चेक करेंगे कितना गहरा मेरापन है सुबह से लेकर शाम तक किन किन चीज़ों को हम मेरा समझ के काम में लाते हैं तो जो कुछ भी मेरा है उसे तेरा कर दें न ये सारी सूक्ष्म आसक्तियाँ जो हैं इन आसक्तियों के कारण ही माया आ सकती है इसलिए कुछ भी मेरा नहीं सब कुछ तेरा करेंगे बुद्धि को हल्का रखेंगे मन को शांत रखेंगे और तब विश्व कल्याण की मनसा सेवा कर सकेंगे तो सारा दिन इस मेरेपन के झमेले को छोड़ने का पूरा पूरा अभ्यास करेंगे चेकिंग करेंगे अटेंशन देंगे और चेंज करेंगे अच्छा ओम शांति Obrigado.